आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम गली तक जाएंगे। मूसा का मसल्ला कुछ लोग 3 दिनों में और कुछ लोग 4 दिनों में करते हैं। हमारी 4 दिनों में करने की वजह यह है कि पहले दिन बगैर सोए मांडा गुचा पहुंचते ही हमने ट्रैक स्टार्ट कर दिया था। चढ़ाई आफ्टर चढ़ाई आफ्टर चढ़ाई आफ्टर चढ़ाई। क्यों शबीब, ऊंचा बोलो। एक मिनट, माइक आपके करीब लाता हूँ सर। हाँ जी, अब बताएं जी, फॉर दिस चढ़ाई आफ्टर चढ़ाई आफ्टर चढ़ाई, अ माउंटेन ऑन अ माउंटेन ऑन अ माउंटेन ऑन अ माउंटेन ऑन अ माउंटेन, जस्ट रीच वन लास्ट माउंटेन। खाली है कि वी आर क्लाइंबिंग माउंटेन तो नहीं कहेंगे, अ हिल अपॉन अ हिल अपॉन अ हिल अपॉन अ हिल अपॉन अ हिल टू रीच द फर्दर मोस्ट माउंटेन। आई एम टोटली फीलिंग फाइन, आई एम टोटली फीलिंग गुड। हां, थोड़ी स्पीड कम है, सांस थोड़ा ज्यादा चढ़ रहा है, लेकिन सांस ज्यादा चढ़ रहा है मेरी अपनी बगैरतियों की वजह से। खुशी, तूने अपनी लाइफ के साथ क्या कर दिया यार। जो लोग 3 दिनों में करते हैं वो पहली रात खोड़ी में क्याम करते हैं, जो बकी से 3 घंटे मजीद आगे है। ये मनाजर जबड़ के हैं। कह रहे हैं ये लेपर्ड के पॉज के निशान है। वो पिछले एक दो दिन में यहाँ से गुजरा होगा, हाँ, और है भी एक से ज्यादा, मतलब पूरा ग्रुप है। तो लेपर्ड हम आ रहे हैं। गली तक तकरीबन 5 घंटे लगते हैं। बहुत जरूरी है कि अपनी मूवमेंट को कंटिन्यूस रखें। वो सामने पायरामिड शेप्ड खंदा पीक है। ट्रैकिंग के दौरान अगर मौसम और हवा अच्छी मिले तो ऐसा लगता है जैसे वक्त बिल्कुल रुक सा गया हो। और वक्त भी क्या अजीब शय है, जैसे इंसान को और हर चीज को उसने कैद कर रखा हो। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, मौसम बेहतर से बेहतर होता जा रहा था, बहुत आहिस्ता से बादल आगे आते जा रहे थे। ये ट्रांजिशन इतनी खूबसूरत थी कि मैं इसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। इस माहौल में ट्रैक की थकावट बिल्कुल खत्म सी हो गई। हां जी, तो पहुंच गए हैं हम गली। अभी ऊपर से जाके दिखाता हूं, ये है हमारा आज का घर। हां, ब्यूटीफुल प्लेस है, मतलब इतनी सिक्योरिटी है, पूरी रात यहां बैठे जाने का। मूसा का मसल्ला, इस पहाड़ का नाम ये क्यों रखा गया? इसके बारे में 2 आरा मिलती हैं। एक तो ये कि ये एक मेटाफर है कोहितूर का, जहां हजरत मूसा जाकर खुदा से मुलाकात किया करते थे। दूसरा ये कि एक मूसा नामी सूफी था जो खुदा से कुर्बत तलाश करने यहाँ चला आता था। कहानी इसमें से जो भी सही हो, लेकिन इस सब में कॉन्स्टेंट खुदा है। गॉड लिव्स हियर। वैसे पहाड़ों बियाबानों में ऐसी क्या बात है कि खुदा के भेजे और खुदा से कुर्बत के मतलाशी यहाँ चले आते हैं। कभी जमीन को सांस लेते देखा है? हम में से मोस्टली लोगों को यह लगता है कि शायद हम और जानवर ही जिंदा हैं, लेकिन इस दुनिया में मौजूद हर कुदरती शय जिंदा है। जमीन जिंदा है, पहाड़ जिंदा है, पत्थर जिंदा है, स्पेस और मैटर में मौजूद हर खुदाई तख्लीक जिंदा है और अपनी जिंदगी का एहसास ये हमें दिलाती रहती है। वो सामने पायरामिड शेप्ड खंदा पीक है।
और शाम तो आनी ही थी, अगर शाम ना आती तो कभी रोशन सबका सितारा ना देख पाते। सुबह के 4:15 रहे हैं, सुबह के तकरीबन 6:15 रहे हैं, और वी आर मूविंग टुवर्ड्स द समिट। समिट जितना करीब नजर आ रहा है उतना करीब है नहीं, सूरज निकल रहा है। हम तकरीबन सुबह 4 बजे रवाना हो गए थे। ये फुटेज सुबह 6 बजे के बाद की है। 4 से 6 के दरमियान डॉक्यूमेंटेशन करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। गली के थोड़े नीचे तक ही आ पाए थे 3 डेज के अंदर। फर्स्ट टाइम समिट पुश कर रहा हूँ, सो क्लोज टू द समिट येट सो फार। बस ये आखिरी पहाड़ी है, और ये बिल्कुल भी आखिरी पहाड़ी नहीं थी भैया। ये समिट आने का नाम ही नहीं ले रहा। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, समिट ने नहीं आना। दिस इज लास्ट पुश फॉर द समिट। It's so difficult. बर्फ नहीं, कल रात को पड़ी कुछ 6 इंच, 1 फुट पड़ती ज़्यादा बेहतर था। 6 इंच प्रॉब्लम यह पता नहीं चलता नीचे पत्थर है क्या है। वो पत्थर मोस्टली स्ट्रेट सर्फेस से स्लिप करते हैं भैया। हम समझ रहे थे इसको समिट, समिट वो ऊपर है। वाह, आने का नाम ही नहीं ले रहा। 8:30 बज चुके हैं और 4 घंटे में चलते हो गए। वी आर स्टिल मार्चिंग टुवर्ड्स द टॉप, द हिल आफ्टर द हिल एंड देयर इज अ माउंटेन ऑन टॉप। के टॉप पे पहुंच गए। हमने तकरीबन 1800 मीटर अल्टीट्यूड गेन किया था। एंड वी आर एट द समिट। कांग्रेचुलेशंस ब्रो। इंतहाई दूर होने के बावजूद जहां से नांगा पर्वत तक दिखाई देती थी। हम मिलेंगे किसी और सफर में बहुत जल्द दोबारा।
एंड प्लीज सब्सक्राइब।